द मैजिक बॉक्स। मेरे पास अभी आपके लिए एक कमाल की ट्रिक है, ठीक मेरी नाक के नीचे। अब मैं बताऊंगा एक राज अपनी मजेदार गुब्बारे और मोमबत्ती ट्रिक का, तो कहीं मत जाइए। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो शुरू करें। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या होगा जब आप गुब्बारे को मोमबत्ती की लौ पर रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये ठीक नहीं, गुब्बारे को मोमबत्ती पर रखने से वो फट जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता गुब्बारे का फटना। इसके लिए मैं एक मंत्र बनाऊंगा ताकि गुब्बारे को मोमबत्ती से बचा सकूं। तो अब मैं मोमबत्ती जलाऊंगा। अब मैं एक गुब्बारा लूंगा, लेकिन इस बार मैं इस पर मंत्र फेर कर इसे बचाऊंगा। हो कैसपो कैसा लगा जाम, प्रस्टो प्रस्टो हबबल्ला, मैं करता हूं तुम पर जादू। और ये हो गया, मेरे गुब्बारे पर जादू हो गया। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। वैसे मैं थोड़ा घबरा रहा हूं, मैंने इसे पहले कभी नहीं किया। एक दो तीन चार पांच, कमाल है ना। मैंने गुब्बारे पर मंत्र फेर दिए ताकि ये फटे नहीं। आप देख सकते हैं इस पर कालिख लगी है, लेकिन ये फटा नहीं। अमेजिंग। तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये कोई जादू या मंत्र नहीं था। तो मैं इसका राज बताऊं, ये साइंस है, जादू नहीं। नीले गुब्बारे में सिर्फ हवा थी और गुलाबी वाले में हवा के साथ थोड़ा पानी भी था। बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि आग बहुत खतरनाक होती है। इसे लो पर रखिए, ये फटेगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि पानी सारी गर्मी सोख लेता है और रबर गर्म नहीं होता, इसलिए नहीं फटता। है ना आसान? कमाल है कि विज्ञान में भी जादू है ना? आखिरकार मुझे मेरा सेलिब्रेटरी केक खाने को मिला। आज की ट्रिक्स मजेदार थी, है ना? लेकिन अब मैं बहुत बोल चुका हूँ, इसलिए अपनी वर्कशॉप के खामोश अंधेरे में वापस जाऊंगा। लेकिन घबराओ मत, मैं और भी मजेदार ट्रिक्स के साथ वापस आऊंगा मैजिक बॉक्स पर।